हाई एवरी वन एंड वेलकम बैक टू इंडियन मॉम स्टूडियो। गाइस, आज के मैं बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ और हो सकता है ये वीडियो आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो, तो कीप ऑन वॉचिंग। आप में से काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन था, जो मेरे पास US में स्टफ़ था मैंने उसका क्या किया, मैंने उसे सोल्ड आउट कर दिया या मैं उसे अपने साथ ले आई, मैंने आखिरकार उसका किया क्या, तो यही सब बातें मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका सोफ़ा हुआ, बेड हुआ, गाड़ी हुई, जितने भी बड़े बड़े सामान होते हैं, डाइनिंग टेबल, ये सब मैंने वहाँ पर क्रैगलिस्ट, जैसे यहाँ पर OLX है, वहाँ पर क्रैगलिस्ट चलती है, वहाँ पर मैंने सोल्ड आउट कर दी है। एंड बात आती है किचन के जो सामान होते हैं, आपके छोटे छोटे सामान जो होते हैं उनकी, और जैसे आप मेरे इस फोटो में पीछे की तरफ एक मेकअप वैनिटी देख रहे होंगे, उस पर लगे हुए जो भी सामान है, उनमें जो कंटेनर्स हैं उनको भी मैंने पैक कर लिया। एंड आप इधर एक स्टूडियो लाइट देख रहे हैं, ये स्टूडियो लाइट भी मैंने पैक कर ली। तो ये सारा सामान मेरा शिप से आएगा। कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब सामान है, जैसे कि मेरा मेकअप। तो ये मेकअप मैंने अपने साथ अपने ही लगेज में पैक करा है। और तो आप अपना लगेज ज़्यादा हैवी नहीं कर सकते, आप एक बंदा 23 kg के 2 bags कैरी कर सकता है। तो जितना मैं पैक कर सकती थी मैंने उतना पैक करने की कोशिश करी। एंड ये होम डिपो से मैं 5 boxes परचेज कर लाई थी, और इन बॉक्सेस में मैंने धीरे धीरे अपने वैनिटी का, मैंने और मेरे हबी ने मिलकर मेरी जो वैनिटी का सामान था और जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट स्टफ थे, के बाद बॉक्स ज़्यादा हिले नहीं, उसके लिए हमने जो स्पेस जो खाली था बॉक्स के अंदर उसमें न्यूज़पेपर या पेपर डालकर उसको पूरा फिल करने की कोशिश करी। मैंने अपने कुछ हैंडबैग्स पैक करे जो कि थोड़ा देर से भी मिलेंगे तो मुझे चलता। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अपना वैनिटी मिरर भी पैक कर रही हूँ बबल रैप के अंदर। और मेरी कुछ वूलन जैकेट्स जो कि हम न्यूयॉर्क वगैरह में पहनते थे, जब हम ईस्ट कोस्ट में रहते थे तो हमारे पास काफ़ी मोटी मोटी जैकेट्स थी, हालांकि वेस्ट कोस्ट में इतनी ठंड नहीं पड़ती, तो ये सारी जैकेट्स हम लोगों ने इसमें कवर करी। ये सारा स्टफ़ हम लोग बाई शिप मंगा रहे हैं, तो ये शिप के थ्रू आएगा, तो जो पहले चेन्नई पर आएगा एंड चेन्नई के बाद ये ट्रांसपोर्ट के थ्रू दिल्ली आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा सामान US से दिल्ली पहुंचेगा हमारे पास, और इन सब प्रोसेस में 3 months लग जाते हैं। तो अगर आपको अपना सामान US से इंडिया मंगाना है तो आप किसी भी शिपमेंट वाले से बात कर सकते हैं, वो बाई शिप आपको आपके सामान को आप तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हमारा सामान स्टिल अभी तक मेरे पास नहीं है, मैं जब ये वीडियो शूट कर रही हूँ तब तक मेरे पास ये सामान नहीं आया है, लेकिन नवम्बर लास्ट तक मैं होप कर रही हूँ कि मेरा सामान मेरे पास होगा। और ये शिपमेंट वाले आपके घर से ही आपका सामान उठाते हैं, तो उसकी भी टेंशन नहीं लेनी होती, बस आपको सामान अच्छे से पैक करना है और अपने सामान की लिस्ट बना कर रखनी है। और वो लिस्ट उनको चाहिए होती है कि वो ये जानना चाहते हैं कि आपने आखिरकार इन बॉक्सेस में क्या पैक किया है और उसकी कितनी वैल्यू है। अगर आपका सामान खो जाए या आपका सामान ख़राब हो जाए तो आप क्लेम कर सकते हो कि मेरे बॉक्स में ये सामान था और उसकी इतनी वैल्यू थी। सेकेंड बॉक्स है जो हमने पैक किया, इसमें जर्नली काफ़ी कुछ तो इसमें है, कशिश के बोर्ड्स गेम है जो कि उसके बहुत फेवरेट है, कशिश के पास काफ़ी सारे बोर्ड्स गेम थे, उसमें से हमने कुछ ये चूज़ करके 3-4 बोर्ड गेम्स उसने चूज़ किए हैं ले जाने के लिए।
और कुछ हमारी इसमें काफ़ी मोटी वाली जैकेट्स हैं जो कि हम न्यूयॉर्क में यूज़ करते थे जब हम न्यूयॉर्क में रहते थे, और यहाँ पर तो इतनी खैर ठंड नहीं होती तो वो हम लोग भिजवा रहे हैं। और दिल्ली में भी इतनी ठंड नहीं रहती समहाउ, तो ये 2-3 मंथ्स में हमारे पास सामान पहुँच जाएगा, तो तब तक ही ठंड स्टार्ट होगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो प्लीज़ गाइस लाइक दिस वीडियो, और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके साथ आगे भी शेयर करूँगी। तो आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन, इट्स मीन्स अ लॉट टू मी। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, लव यू।